आसाराम बाबू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उनको कलंकित करने के बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। और अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले कहा आपको, जिनके पास सत्ता होती है अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बाबू पर मेहरबानी हुई, उन्होंने जेल में संत आसाराम जी अपू सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, कोई भी कितने ही प्रहार करे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल बने रहना, पक्षधर होकर प्रबलता से संघर्ष नहीं करना, ये सारे कारण हैं। आसाराम जी के जितने शिष्य हैं, एक की भी आस्था डिगी नहीं है। इन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है, बापू जी इनको भले ही क्षमा कर दें लेकिन परमात्मा माफ नहीं करेगा। कुर्बान हो जाऊंगा, सूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता।